एयर में से इसमें लेके घूमके हवा का दबाव से कैसे ये पानी बाहर निकलता है। और एक नई चीज और बढ़ा देता है कि जैसे जैसे इसका वॉल्यूम कम होगा यानी कि हवा ऊपर निकलूंगी वैसे वैसे यहाँ पे सभी क्या रहेगा कम होता है। बड़ी बात है कि नीचे जब रहेगा तो हवा ऊपर भी पहुंच जाता है ज्यादा हो जाएगा।
देखा होगा उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि ये ऐसे को बनाया जाता है और भी है तो मेनली ये यहाँ तक। अब ये देखो प्रेशर के बाद इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट मतलब क्या है इस बात का कि किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो उसके लिए यूनिट होना चाहिए डिफाइन करने के लिए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि कहीं पे 5 लिखा हुआ है तो इससे क्या पता चलता है, कुछ पता चल रहा है लेकिन अगर मैं वहीं पे 5 केजी ले लूं तो ये केजी इसको डिफाइन कर रहा है ना, ये किसकी बात हो रही है, 5 केजी मास की बात हो रही है यानी कि वेट की बात हो रही है ना। उसी तरह से अगर कहीं पे 10 लिखा हुआ है तो इससे कुछ भी डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं सेंटीमीटर या फिर मीटर लिख देता हूँ तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये किसकी बात हो रही है, लेंथ की। तो ये जो यूनिट होता है केजी मीटर या फिर कुछ भी जिसके जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में लगाया जाता है, ये सब क्या कहते हैं, एसआई यूनिट, जो इसको डिफाइन करता है। ओके तो ये हो गया हमारे पास एसआई यूनिट। अगर प्रेशर का देखा जाए तो प्रेशर के लिए क्या होता है, मतलब देखो फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन या फिर केजी भी लिखते हैं जनरली, ठीक है न्यूटन लिखते हैं या फिर जनरली इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि न्यूटन और मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो फोर्स के लिए, मतलब प्रेशर के लिए। और क्या लिख सकते हो, केजी केजी मीटर और मीटर स्क्वायर, और भी क्या लिख सकते हो, तो पास्कल तुमने सुना होगा, पास्कल लॉ, पास्कल होता है और बार भी होता है, कभी कहीं पे बार भी होता है, समझे। अब बात करते हैं इस प्रेशर को, ठीक है समझ में आ गया। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। देखो प्रेशर का मतलब क्या होता है, दबाव किसी ऑब्जेक्ट पर कितना एरिया में पर्टिकुलर एरिया में फोर्स लगा रहे हो, उसी फोर्स को अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया से डिवाइड करते हैं तो हम क्या कहेंगे, प्रेशर। अभी जब प्रेशर है कितने टाइप के हो सकते हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं, फ्लो प्रेशर भी होता है प्रेशर के कारण ही। तो तुमने जेसीबी मशीन देखा हो, जेसीबी मशीन जो होते हैं कैसे काम करते हैं, उसमें लीवर का वो खींचता है इधर उधर करता है तो अपने आप होता है, कैसे होता है, तो उसमें भी प्रेशर का यूज किया जाता है, फ्लूइड का प्रेशर का यूज किया जाता है। फ्लूइड में कितना ज्यादा प्रेशर होता है, फ्लूइड का मतलब ऑयल, जो मेरी बाइक है उस बाइक में जो डिस्क ब्रेक लगे थे वो था आजकल, ठीक है डिस्क ब्रेक जो काम करता है उस पे काम करता है तो फ्लूइड प्रेशर पे काम करता है, ठीक है। तो फ्लूइड का प्रेशर होता है, मानसिक का प्रेशर होता है, उसी तरह से होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो एटमोस्फेरिक का मतलब क्या है कि अर्थ है, ये अर्थ है ना, मान के चलो कि ये अर्थ है। अब तुम्हें ये पता है कि अर्थ के चारों तरफ एक हवा की एक लेयर बनी हुई है ना, चारों तरफ यानी कि हवा के चारों तरफ से अर्थ को इस तरह से घेरा हुआ है, ठीक है। और वही जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो हवा है वही हवा क्या करते हैं, इसको चारों तरफ से इस तरह से प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसको हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, कैसे हवा जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दबाव उत्पन्न कर सकती है, क्लियर। अब देखो ये क्या है, एयर, इसके चारों तरफ देखा जाए आप, जो आपके चारों तरफ क्या है, एयर ही तो है। अब वो जो एयर है क्या करती है, चारों तरफ से आपको दबाने की कोशिश करती है, कहीं भी याद रखो कि जो हवा होती है ना हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा की प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करेगी, समझे। आपके चारों तरफ क्या है, हवा है, और हवा जो होती है सारी की सारी हवा क्या करेगी, अर्थ को दबाने की कोशिश करेगी चारों ओर से, इसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव या फिर हम इसे कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जनरल से बात है एटमॉस्फेयर का मतलब यही होता है वायुमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल बना हुआ है, वो वायुमंडल जब अर्थ के चारों तरफ एक फोर्स लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसको जनरली लिखा जाए तो कैसे लिखोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर डिफाइन करना हो, अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, द प्रेशर एक्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ is known as atmosphere
क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं, जनरली ये होता कितना है तो एट अर्थ सरफेस, अगर अर्थ की सरफेस की बात किया जाए अर्थ सरफेस यानी कि अर्थ के सरफेस पे ये कितना है तो 1 मीडियम होता है। 1 मीडियम का मतलब क्या होता है, ये प्रेशर है 3 यूनिट होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि अगर हम यहां बैठे हुए हैं, अगर मैं यहां बैठा हुआ हूं और मेरे ऊपर बात किया जाए कि हवा का कितना दबाव लगा हुआ है या फिर तुम्हारे ऊपर तो कितना है तो 1 मीटिंग के बराबर है, समझे, ये अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो क्या ये सेम रहेगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो इसको हम थोड़ा सा इधर करके जूम करने की कोशिश करें, इधर देखेंगे तो देखो अर्थ का जो सरफेस है ना वो कुछ ये अर्थ का सरफेस है, ओके, जैसे जैसे तुम ऊपर मूव करोगे तो मॉलिक्यूल जो होंगे कम होने लगेंगे, कैसे, तो आपके सरफेस पे जो एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसकी वजह से भी क्या है बहुत ज्यादा है आपके सरफेस पे। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपके जो ये जो एयर के जो मॉलिक्यूल है ये बहुत कम होने लगेंगे, और ऊपर जाओगे और कम होने लगेंगे, ठीक है, और ऊपर जाएगी तो और कम होगा, फिर ऊपर जाएगी तो और कम होगा। जनरली एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूं तो यहाँ पे जो फोर्स लगा होगा ऊपर से नीचे तक सारे के सारे मॉलिक्यूल आएंगे फोर्स, तो यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं इस वाले लेवल पे देखूं तो यहाँ पे तो ये वाला कम हो गया ना, यहाँ पे सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं और फिर यहाँ पे देखो तो बहुत कम हो गए, फिर और ऊपर जाओ बहुत कम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हायर एल्टीट्यूड में तो वैसे वैसे हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है हायर एल्टीट्यूड और ये क्या है लोअर इन प्रेशर, ठीक है। अगर वो कुछ एग्जाम्पल होता है, जैसे अगर मैं पांच एग्जाम्पल तुमसे बात करूं कि जब भी तुम जाओगे दिल्ली स्टेशन पे जाओगे ना तुम्हारे सर में दर्द होने लगता है जनरली, ठीक है, सर दर्द होने लगेगा, नोज ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा वोमिटिंग आती है दिल्ली स्टेशन पे जब भी जाओ घूमने के लिए, माता वैष्णो देवी के चढ़ाई करने जब भी जाते हैं तो वहां पे यही सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना वोमिटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम होने वाला है, कम होता है। अब सोचो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही वहां पे कम हो गया तो बाहर का प्रेशर तो कम है और अंदर का जो प्रेशर है जो तुम्हारे अंदर जो फ्लूड भरा हो उसका प्रेशर तो ज्यादा है, वो निकलना बहुत चाहेगा, समझे, इसी वजह से होता है, ठीक है। तुमने ये भी देखा होगा, अच्छा एक सिंपल सा एक उदाहरण समझते हैं, बैलून देखा है, बैलून में ऐसा क्या होता है कि हमें उसे अंदर हवा भरने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना होता है, जैसे ही लेकिन जैसे ही पिन मारते हो तो ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो बैलून को फुलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशराइज एयर देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि चारों तरफ क्या है उसके हवा है ना, चारों तरफ क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये तो ये यानी कि जो है चारों तरफ से क्या बात है बैलून को दबा रहा है ना, और अगर एक अंदर बैलून की मैं बात करूं, ठीक है, तो चारों तरफ से इस बैलून को दबा रखा है, दबाया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब इसके अंदर तुम्हें हवा पड़ रहा है तो ये तो कोशिश करेगा ना बाहर वाले इसको दबा के रखे, है ना, लेकिन तुम्हें जबरदस्ती इसमें हवा पड़ रहा है तो क्या होगा, तुम्हें प्रेशराइज्ड एयर देना पड़ता है, होता है ना ऐसे, और अंदर का जो प्रेशर है बहुत ही ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ज्यादा ही होगा तभी तो ये खुलेगा, अगर अंदर वाला प्रेशर ज्यादा नहीं होता तो खींच जाएगा ना बाहर वाला क्या कहेंगे मैं दबा कर दूंगा दुनिया का सबको हटाना है, जैसे हीरो होता है ना मूवी में रजनीकांत वगैरह मूवी देखा है चारों तरफ से भाई सब गुंडे उसको घेर लेते हैं और उसमें कितना ताकत होता है कहने वो सबको जब उठता है वो एक इधर फेंकाता है एक इधर फेंकाता है इस तरह से होता है ना ऐसे, तो अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें ज्यादा करना पड़ेगा अगर इस बैलून को हमें फुलाना है, समझ में आया। और क्या मैं तो बता रहा था नोज ब्लीडिंग क्यों होती है, नोज ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे ऊपर अभी जो है अर्थ के एटमोसफेयर पे अर्थ के सत्र में एटमोसफेयर प्रेशर कितना है 1 atm है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एटमोसफेयर प्रेशर क्या होगा जो हमारे ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है एयर का वो कम होता जाएगा, यानी बाहर का प्रेशर कम हो गया अंदर का जो
जो हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी, ब्लड प्रेशर जो होता है, उसका मीन प्रेशर होता है, उसका प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ब्लड बाहर आना चाहिए ना, जनरल सी बात है, ऐसे ही तो होता है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो बाहर चीजें आएंगी। देखो जैसे कि तुम लोग देखे हो मोटर जो पंप होता है, पानी वाला जो पंप होता है, अगर तुम्हें नीचे से ऊपर पानी पहुंचाना है तो क्या करना पड़ता है, मोटर पंप लगाना पड़ता है, वो क्या करता है प्रेशराइज वाटर को बाहर निकालता है, यानी वो क्या करता है वाटर पंप प्रेशर बढ़ाता है, समझे, नीचे का वो इतना ज्यादा प्रेशर हाई प्रेशर इंक्रीज कर देता है वाटर सक्शन प्रेशर कि नीचे से पानी अपने आप बढ़ा जाता है, लेकिन वैसे पानी को ऊपर से नीचे डालना हो तो आराम से चला जाता है, किसी पैसे की जरूरत नहीं है, समझे। ये नोज ब्लीडिंग होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके, जैसे नोज ब्लीडिंग हो गया और वोमिटिंग यानी कि उल्टी आना, इसी वजह से तुमने देखा होगा एक कहा जाता है जेट लैग, जेट लैग होता है, और एक होता है वहां पर माउंटेन पे अलाउ नहीं होता है, माउंटेन पे इसलिए अलाउ नहीं होता है क्योंकि तुमने जेल पेन के पीछे लिक्विड देखा होगा, जेल पेन जो होता है उसके पीछे लिक्विड होता है, वो क्या करता है यहाँ पे इतना प्रेशर वो बाहर से बना के रखता है कि अंदर का जो फ्लूइड है ना वो बाहर ना निकले, लेकिन अगर वही चीज तुम ऊपर चले जाओगे यानी कि हाईली एरिया में चले जाओगे जैसे एटमोस्फेयर में, एटमोस्फेयर में क्या होगा, एटमोस्फेयर प्रेशर कम हो गया वहां पे और अंदर का जो फ्लूइड है यानी कि जो इंक का जो फ्लूइड है वो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो कोशिश क्या करेगा बाहर निकलने की, इसलिए एरोप्लेन में जेल पेन या माउंटेन पेन अलाउ नहीं होता, यहाँ तक कि उसमें वो जो पेन वाटर जो पेन होता है जिसमें जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं इंक वाला पेन, इंक भर के ठीक है वो भी अलाउ नहीं होता है, इसीलिए क्यों नहीं अलाउ नहीं होता समझ में आए, क्योंकि जो इंक है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। इसके अलावा देखा होगा तुमने मर्करी भी अलाउ नहीं होता, मतलब कहीं थोड़ा मीटर वगैरह हम अलग नहीं लेके जा सकते, ठीक है उसका तो खैर अलग आंसर है, तो क्लियर हो गया था। और ये क्या होता है देखो माउंटेन पहले दर्ज नॉट, अब यहाँ पे हम आगे क्या सुनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दो चीजें होती हैं, ठीक है नाइन क्लास में पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, दो चीजें होती हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, किस टेम्परेचर पे कोई वाटर या फिर कोई भी लिक्विड गैस में बदलना शुरू कर देगा उसे हम क्या कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर में क्या होता है, पानी चढ़ाने जाते हैं पानी जब गर्म करते हो ऐसा तो नहीं होता कि गर्म करते ही मतलब गैस में रखते ही पाला जाता है उसमें टाइम लगता है ना, धीरे धीरे करते हैं है ना, वहीं पे दूध की बात किया जाए तो दूध का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा ध्यान जब तक उसमें देखते रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा, जैसे एक सेकंड तक क्या होता है ना उसको देखना पड़ता है, तो देखो हर सब टाइम का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ना ये भी डिपेंड करता है तुम्हारा एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा एटमोस्फेरिक प्रेशर कम है यानी कि जैसे अगर तुम खाना कहीं बनाने जा रहे हो हाईली स्टेशन पे जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में जो खाना बनाते हैं वहाँ पे जो खाना बनता है ना अगर वो प्रेशर कुकर में ना बने तो उनका खाना क्या हो जाएगा कच्चा रह जाएगा, क्योंकि वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, तो जो पानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा था अब वो कितने में कम हो गया ना, यानी कि 90 पे उबल जाएगा है ना, जो पानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना चाहिए था वो 90 पे उबल रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो खाना कच्चा ही रहेगा ना समझे, इसलिए प्रेशर कुकर बनाया गया था। प्रेशर कुकर में क्या होता है तुरंत प्रेशर इतना ज्यादा प्रेशर उसमें क्रिएट हो जाता है कि तुरंत उसको प्रेशराइज करके जल्द से उसको हम उबाल देते हैं, और सच में कहूँ तो प्रेशर कुकर में खाना बनाना एक तरह से खराब हो रहा होता है, क्योंकि आप एक खाने को जो चावल है उसको जबरदस्ती 10 मिनट के अंदर पकाना चाहते हो
और वहीं पे तुम उसी चावल को अगर पतीले में बनाओ तो उसको जितना टाइम चाहिए पकने में उतना मिलेगा, अगर उतना उसको हीट भी मिलेगा, उसका मार भी निकालना सीखते हैं। हाँ समझे, तो प्रेशर कुकर का जनरली जो बनाया गया था वो हिल स्टेशन के लिए बनाया गया था ताकि वहां पर कोला होती थी, खाना पकाते थे तो कच्चा रह जाता था जितना भी कुछ कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा देर तक बात हो तो जल जाएगा भाई, पकेगा ही नहीं। ठीक है, पानी ज्यादा डालो तो भी प्रॉब्लम होता था, तो इसीलिए प्रेशर कुकर बनाया गया था ताकि वहां पे प्रेशर मेंटेन किया जा सके, एटमोस्फेरिक प्रेशर। लेकिन उसका पे ट्रेंड शुरू हो गया इंडियन लोगों में, और इंडिया में सब लोग पहले दहेज में स्टार्ट करने लगे। हाँ, जिसके भाई साहब पहले टाइम था जब जिसके तिलक में अगर प्रेशर कुकर चला गया ना, नाम हो जाता था कि हाँ भाई इनके तिलक में प्रेशर कुकर चला गया, वो टाइम 90s का था। ठीक है, सही में ये बहुत भारी बात होती है क्योंकि गाँव में जनरली जो खाना बनता है ना वो या तो मिट्टी के बर्तन में बनता था पहले, या तो पतीले वगैरह में, है ना। सही बता रहा हूँ, उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो मेंटेन रहते हैं, तो मिट्टी के बर्तन या फिर पीतल के जो बर्तन होते हैं पहले ठंडा होगा इसका जाता था पीतल के, तो उसमें खाना बनाने के मतलब क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है उसमें वो मेंटेन रहेगी, उसमें मतलब जो न्यूट्रिशन खत्म नहीं होगा। समझ आया, ये होता थोड़ा एटमोस्फेरिक प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे इसका बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसने जो किया था थोड़ा सा कर लेते हैं अभी। ठीक है, देखो जाती है।
ज्यादा है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि लास्ट का बंदा कैसे करें।